मई महीने के शुरुआती दिनों में हवाओं और बारिश के चलते मौसम सुहाना बना रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे गर्मी कहर बरपाने लगी। हालांकि मई महीने के खत्म होते होते एक बार फिर देश के अधिकतर राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी शुरू हो गया है। वहीं कई राज्यों में आज हवाएं और बारिश देखने को मिलेंगी। चलिए जानते हैं कि दिल्ली, यूपी, बिहार समेत किन राज्यों को बारिश से राहत मिलेगी। दिल्ली की बात करें तो 24 मई की सुबह भी राहत भरी रही। सुबह से ही हल्की ठंडी हवाएं चलने के साथ आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगले 4 दिन यानी 27 मई तक दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिलेगी। दिल्ली में आज और कल आंधी बारिश के अलावा 26 और 27 मई को बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहेंगे और तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार रात से ही रुक रुक कर ठंडी हवाएं और बूंदाबांदी हो रही है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। मौसम के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। इसके अलावा 25 और 26 मई को आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकती है। वहीं 27 मई से बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन ये 28 मई तक जारी रहेंगी। इससे माना जा सकता है कि 28 मई तक यूपी में गर्मी से राहत मिलेगी। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मंगलवार से ही बिहार के भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में 27 मई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछार हो सकती है। बता दें कि पिछले दिनों बिहार भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रहा था। मौसम में आई इस नरमी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी बारिश से मौसम में बदलाव के आसार हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आंधी या ओलों के साथ आंधी चलने के आसार हैं। इसके बाद 26 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 27 मई को हल्की बारिश के साथ 28 मई को एक बार फिर तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। इसके साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन ये 30 मई तक जारी रहेंगी। इन सब के अलावा अन्य कई और राज्य में भी बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 मई को पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तरी बिहार और उड़ीसा के साथ साथ गंगीय पश्चिम बंगाल में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर हीट वेव से अब लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।